पावर स्टार पवन सिंह जो धमाका कर दें, वो धमाका कोई करने के लिए सोचता है। 13 दिन से भाई, 13 दिन से लाल घाघरा ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बना हुआ है म्यूजिक सेक्शन में यूट्यूब के, और अब दूसरा गाना भी उन्हीं का बज रहा है। हाँ जी, उनका इस साल का पहला नवरात्रि सॉन्ग तो आप सभी ने सुन लिया होगा। अरे सुन लिया ही होगा, क्योंकि वो इतना बेहतरीन है कि आपको पवन सिंह के पुराने गीतों की याद आ जाएगी, बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही बेहतरीन। खैर, लेकिन अब जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा देखें तो कुछ बुरा ना सुने, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यूँ कह लें कि तकरीबन 15 दिनों से पवन सिंह लगातार ट्रेंडिंग में है। कभी उनके गाने का ट्रीजर, कभी उनका गाना, फिर उनके नवरात्र का गाना, सभी कुछ ट्रेंडिंग में हमेशा से रहा है। अब ऐसे में कुछ लोग हैं जो पवन सिंह के खिलाफ ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ झोल है, ये सब कुछ व्यूज़ पैसे के बल पर है, साथ ही साथ ये सब कुछ फेक है। क्या ऐसा कहीं हो सकता है? अगर यही किसी और स्टार का होता तो लोग भोजपुरी में उसे स्वीकार नहीं, लोग उसे भोजपुरी में स्वीकार नहीं, सहस्र स्वीकार करते। लेकिन भाई, अब पवन सिंह की जब बात आती है तो वहाँ विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, हम तो कहेंगे भाई, जलने वाले जलते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, और पवन सिंह अपना काम करते रहेंगे। वैसे इस बार पवन सिंह के गानों की डिमांड भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ पूजा पंडालों में भी बड़ी तेज है। जहां देखिए वहां पवन सिंह के सॉन्ग बज रहे हैं और लोगों को ये सॉन्ग बहुत रास भी आ रहे हैं। इस बार पवन सिंह ने डुइट सॉन्ग गाने की बजाय सिंगल गाना ही ज्यादा बेहतर समझा है और ये कामयाब भी हो रहा है। खैर, हम ये कहेंगे कि इस बार के नवरात्रि गानों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है पावर स्टार पवन सिंह ने। अब भोजपुरी के और भी लोगों को सोचना चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।